Hello friends, my name is Krishna Saraswat and I am a biology teacher. कैसे हैं आप सब लोग? I hope lockdown का पूरा मजा ले रहे होंगे घर पे. लेकिन lockdown के चलते आप लोग ना तो अपने स्कूल जा पा रहे, ना ही अपनी कोचिंग क्लासेस जा पा रहे, तो इस बीच आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है. तो मैंने सोचा कि 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए कुछ वीडियोस बनाऊं जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल सके और इस खाली टाइम को आप यूटिलाइज कर सकें. ओके, तो कुछ वीडियोस बना रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एंड आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या है. द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज जीव जंतु. फॉर एग्जाम्पल, मैं, आप सब लोग, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिज्म है. और इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है कि हाउ दीज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? ठीक है, क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उससे ही रिलेटेड है ये चैप्टर, थोड़ा सिमिलर चैप्टर है. तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज एक्चुअली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इट्सेल्फ. मींस रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग जो कि लगभग उसके सिमिलर दिखता है. ठीक है, अब ये ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? हमने तो बोल दिया कि ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस करा और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे. तो ऑफस्प्रिंग क्या है, एग्जांपल से समझते हैं. सपोज करो हमारे पैरेंट ने रिप्रोड्यूस करा और हम पैदा हुए, तो वी आर ऑफस्प्रिंग टू आर पैरेंट एंड वी आर लुकिंग सिमिलर टू आर पैरेंट. यानी हम क्या हैं? हम अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग हैं, प्रोजेनी हैं, या बोले वी आर डॉटर ऑर्गेनिज्म ऑफ आर पैरेंट. एनसीईआरटी में ऑफस्प्रिंग के दूसरे भी अल्टरनेटिव वर्ड यूज कर रखे हैं, जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोजेनी भी बोलते हैं, डॉटर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, एक ही बात है. ठीक है, तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं डेफिनेशन. रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी और डॉटर ऑर्गेनिज्म विच इज सिमिलर टू इट्सेल्फ. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन समझ आया. अच्छा, वैसे इस चैप्टर की बात करें, इसकी वेटेज की, तो बोर्ड एग्जाम में लगभग ये चैप्टर 3 to 4 मार्क्स कैरी करता है. छोटा सा चैप्टर है, इजी है, और 3 से 4 मार्क्स इजीली हम यहाँ से ले सकते हैं. ठीक है, अच्छा अब देखो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म. यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? Why reproduction is essential for them? तो सिंपल सी चीज है, एक बात बताओ, हमारे पेरेंट ने रिप्रोड्यूस करा तो क्यों करा? क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जो जनरेशन है वो क्या रहे, कंटिन्यू रहे. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसलिए करता है इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इट्स जनरेशन. ठीक है, समझ आए? तो देखो इसका आंसर क्या है, द रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसलिए करेगा ताकि उसकी जो जनरेशन है वो हमेशा कंटिन्यू रहे. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बींग्स का, दैट इज होमो सैपियंस. ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स है अगर वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे ह्यूमन बींग्स क्या है, खत्म हो जाएंगे. तो ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपने स्पीसीज को कंटिन्यू रख सकें. ओके, समझ आए? एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है. देखो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में या इंडेक्स में क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर में पूछे गए, सारे के सारे हम सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है, समझ आए? अब बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो सबको पता है, कोई नई बात नहीं है, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से? एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अच्छा, हमने तो बोल दिया कि दैट रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज असेक्सुअल एंड अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. किस बेसिस पे हमने ये बोला? द
तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट और टू पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स, दीज आर कॉल्ड असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, यानी कि अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है देन इट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इफ इट इन्वॉल्व टू पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स देन इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखो, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है राइट द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इस टॉपिक में हम लोग कम से कम 8 या 9 डिफरेंस पढ़ेंगे असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में. ठीक है, तो देखो पहला डिफरेंस क्या है, इधर हमने असेक्सुअल लिखा है और उसके दूसरी साइड पर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है. तो पहला डिफरेंस पढ़ते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल टाइप. इजी है, यूनि मतलब सिंगल, पेरेंटल मतलब पेरेंट्स, मींस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली सिंगल पेरेंट, इट इज यूनिपेरेंटल टाइप. वेयर एज इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज बाईपेरेंटल टाइप. बाई मींस टू, मींस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स आर इन्वॉल्व. ठीक है, तो इजी सा डिफरेंस है, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल टाइप, वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाईपेरेंटल टाइप. याद हो जाएगा, एक पेरेंट इन्वॉल्व हुआ असेक्सुअल, दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए, जाहिर सी बात है जब एक मेल और फीमेल इन्वॉल्व होंगे तो वहां पर कैसा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बाकी तुम लोग खुद समझदार हो. ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, मींस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती. ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड. यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी. ठीक है, और जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो हमेशा गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी. फॉर एग्जाम्पल मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. हम अगर अपनी बात करें, जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म, वेयर एज फीमेल प्रोड्यूस करती है ओवम या ओवा. स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करता है, जायगोट बनता है, एंड दिस जायगोट प्रोड्यूस द होल ऑर्गेनिज्म. तो सेकंड डिफरेंस क्या है, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेयर एज गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, समझ आ रहा है ना. अब देखो तीसरा डिफरेंस क्या है, अब मुझे एक बात बताओ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर कोई भी गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म किस चीज की हेल्प से रिप्रोड्यूस करेगा. तो देयर आर सम स्पेशल स्ट्रक्चर जिनकी हेल्प से ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड दीज स्पेशल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. यानी वो स्पेशल स्ट्रक्चर जिनकी हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि वहां पर गैमेट की फॉर्मेशन नहीं हो रही, एंड दीज स्पेशल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अमीबा की, ठीक है, अमीबा क्या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यहां पर मैं बना के दिखाता हूं, सपोज करो ये एक अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जब ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो इसकी जो बॉडी है वो स्प्लिट हो जाती है, एंड स्प्लिट होके दो नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो अमीबा है इसकी पूरी की पूरी बॉडी एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह बिहेव कर रही है, स्प्लिट होके दो नए डॉटर अमीबा या दो नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही है. तो हियर द एंटायर ऑर्गेनिज्म दैट इज अमीबा इज बिहेविंग लाइक अ रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड गेट स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म. तो हम बोल सकते हैं कि अमीबा के केस में इसकी जो पूरी बॉडी है वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह बिहेव कर रही है और दो नए डॉटर अमीबा की फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, अच्छा और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, जैसे कि हाइड्रा का केस देखते हैं. देखो सपोज करो, गंदा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, सपोज करो ये है हाइड्रा. हाइड्रा के केस में क्या होता है कि एक स्मॉल आउटग्रोथ प्रोड्यूस होती है जिसको हमने बोला बड. ठीक है, जो कि इनिशियली हाइड्रा की बॉडी से अटैच होती है, बट आफ्टर सम टाइम इट गेट डिटैच फ्रॉम बॉडी ऑफ हाइड्रा एंड दिस बड नाउ प्रोड्यूस अ न्यू हाइड्रा.
यानी ये जो बर्ड है, जो स्मॉल अर्ड ग्रोथ है, जो कि इनिशियली इस पैरेंट हाइड्रा से अटैच थी, कुछ टाइम बाद ये डिटैच हो गई और डिटैच होने के बाद इसने एक नया हाइड्रा प्रोड्यूस करा। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल आउट ग्रोथ है, ये जो बर्ड है, वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्पायरोगायरा जो कि एक एल्गी है, यहाँ पर क्या है, इसकी बॉडी का कोई एक फ्रैगमेंट, कोई एक पीस रिप्रोड्यूस करता है नया स्पायरोगायरा। तो इन केस ऑफ स्पायरोगायरा, अ फ्रैगमेंट और पीस ऑफ बॉडी इज बिहेविंग लाइक अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। और एग्जांपल, जैसे क्लैमिडोमोनस एक एल्गी है, जो क्लैमिडोमोनस है ये एक स्पोर प्रोड्यूस करती है और ये स्पोर जर्मिनेट होने के बाद एक नया क्लैमिडोमोनस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में सीड्स होते हैं, सीड्स आफ्टर जर्मिनेशन प्रोड्यूस न्यू प्लांट, वैसे ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि क्लैमिडोमोनस है, यहां पर क्या है, स्पोर आफ्टर जर्मिनेशन दे प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म, अ न्यू क्लैमिडोमोनस। तो समझ आया, तो क्योंकि यहां पर गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, इसलिए ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं, एंड दीज स्पेशल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट। एग्जाम्पल, अमीबा के केस में दीज आर हियर एंटायर ऑर्गेनिज्म बिहेव एज रिप्रोडक्टिव यूनिट, वेयर एज इन केस ऑफ हाइड्रा the small outgrowth or bud behave as reproductive unit, as in case of spirogyra it is a fragment, as in case of chlamydomonas it is a spore, ठीक है। अगर वहीं पर हम बात करें sexual reproduction की, तो in case of sexual reproduction gametes are always formed, male produce करता है male gamete and the female produce the female gamete, तो यहाँ पर gametes की formation हमेशा होती है। समझ आया, एक बार ऐसे ही revise कर देता हूँ। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है, तो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां पर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग व्हिच इज सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो लगभग अपने पेरेंट जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि ऑर्गेनिज्म अपने स्पीसीज की जनरेशन को कंटिन्यू रख सके, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीन डिफरेंस मैंने बता दिए, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इन तीन डिफरेंसेस के बाद और भी डिफरेंसेस है उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है।